लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम YDSC से रिलेटेड है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। अब मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है और देखिए अब ये प्रॉब्लम क्या है। कहा गया कि YDSE एक्सपेरिमेंट पहले परफॉर्म किया जा रहा है एयर में और फिर एक मीडियम में, अदर देन एयर कुछ मीडियम हो सकता है। इट इज फाउंड डैट, ये पाया जाता है कि एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम, मतलब किसी मीडियम में आठवां जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है जहां पे, वहीं पे पांचवां डार्क फ्रिंज बन जाता है जब वो एक्सपेरिमेंट एयर में परफॉर्म करी जाती है। तो कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका YDSE एक्सपेरिमेंट होता है, ये कैपिटल डी होता है और ये आपका स्मॉल डी होता है। अब देखिए यहाँ पे इस मीडियम में एक मीडियम ले लिया जिसमें आठवां ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन क्या होती है, एन लैमडा डी डिवाइड बाई म्यू डी, लैम्डा बाय म्यू, लैम्डा इज द वेवलेंथ इन एयर, तो मीडियम में जो वेवलेंथ होगी लैम्डा बाय म्यू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन लैम्डा डी बाय डी जो होती है वो आपकी होती है nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, लैम्डा इज द वेवलेंथ इन द मीडियम इन विच द एक्सपेरिमेंट विल परफॉर्म। यदि एयर में वेवलेंथ लैम्डा हो तो मीडियम में हो जाता है लैम्डा बाय म्यू, इसलिए ये लिखा गया एन लैम्डा डी बाय म्यू डी, म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब आठवां ब्राइट फ्रिंज दैट मीन्स एट्थ, तो एन की जगह पे एट डालिएगा आप, लैम्डा बाय म्यू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, राइट, ये चीज हो गया। अब आप जब एयर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो पांचवां डार्क फ्रिंज की जो पोजिशन है वो कैसे लिखेंगे, 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d, दिस वन इज द nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन होती है। अब n की जगह पे आप 5 प्लेस कीजिएगा तो 2 × 5 = 10 - 1 = 9, तो ये आ जाएगा लाइन लैम्डा डी डिवाइड बाय 2d, लैम्डा एयर में है वेवलेंथ, राइट। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों की पोजीशन एक ही जगह पे है, तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिएगा, लैम्डा डी बाई डी दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 16/9 जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.78 आएगी, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 3 1.78, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो करेक्ट वैल्यू होगी 1.78 होगी। ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है YDSE से रिलेटेड, इसमें कई बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, फिर डार्क फ्रिंज की पोजीशन, एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है जो वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है वो भी ध्यान में रखना है, तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।